आपके जो भी सवाल हो, आपकी जो शंकाएं हो, आप पूछ सकते हैं। आप वहां से अपनी ही जगह पे खड़े रह के आप पूछ सकते हैं। सिर्फ हाथ उठाए किस तरीके से पूछना है, सवाल किस तरीके से पूछना है। यहाँ पर आए सभी गणमान्य नागरिकों को मेरा नमस्कार। सर मेरा नाम सारंग भिमरे है। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि तैयारी तो हम लोग करते हैं सर, लेकिन क्या है कंटिन्यू नहीं रह पाते। मतलब दो दिन, चार दिन, सात दिन, आठ दिन, दस दिन तैयारी करते हैं, तैयारी अच्छी चलती है, लेकिन उसके बाद फिर एक दिन ऐसा आता है कि बोले यार अब आराम करना है। वो जो फीलिंग रहती है जो लगातार जो अपन नहीं कर पाते, उस टाइम में हमको क्या करना चाहिए, उसको लगातार कंटिन्यू कैसे करना चाहिए जाते हैं। और क्वेश्चन ले लेते हैं तो मैं कुछ जोड़ के बता पाऊंगा। बैठिए आप। मेरा नाम ऋषिकेश सानिश है, मैं कौटिल्य अकेडमी का स्टूडेंट हूँ। मेरे जहन में एक क्वेश्चन है कि सर दो या तीन अटेम्प्ट प्री हो जाने के बाद में जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डीमोटिवेट करते हैं या कहते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा या तू इस फील्ड के लिए नहीं है, कोई और फील्ड में जाके ट्राई कर, तो इन लोगों को कैसे फेस करना है सर ये बताएं। चलिए कि मैं दोनों को एक क्वेश्चन मिला के देता हूँ। बैठिए प्लीज। कंटिन्यूटी हमको जरूर बनाए रखनी होती है। आपने सुल्तान मूवी अगर देखी होगी, अभी एकदम से मुझे ये एग्जांपल ध्यान आया, उसमें सलमान खान बहुत अच्छा प्लेयर होता है लेकिन फिर उसके बाद वो खेल छोड़ देता है और वो मोटा हो जाता है, वो स्किल्स छोड़ चुका होता है और फिर से जब उसे वापसी करनी होती है तो वो वापसी करता है लेकिन उसको दुगनी मेहनत करनी होती है और वो दुगनी मेहनत करता है तो फिर वो वापसी कर जाता है। हम लोग भी जब कोचिंग करते हैं या हम लोग भी जब किसी के पास बातचीत करते हैं तो हम देखते हैं कि कोई हमसे बहुत जल्दी रिप्लाई देता है। जब इकोनॉमिक्स चालू होती है तो इकोनॉमिक्स के आंसर देता है, जब मैथ्स चालू होती है तो मैथ्स के क्वेश्चन जल्दी कर लेता है। हमको लगता है कि हम ही को कुछ नहीं आता है। फर्क कुछ नहीं होता, फर्क इतना है कि वो हो सकता है कि इकोनॉमिक्स के या तो स्टूडेंट रहा हो या उसने पहले से कोचिंग कर रखी हो या हो सकता है वो बुक एग्जैक्टली पढ़ रखी हो जिससे क्वेश्चन बन रहे हो, ये एक कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। कई बार पर हम लोग निराश हो जाते हैं कि हमको लगता है कि यार ये इतने बड़े बड़े लोग हैं मैदान में और हमको लग रहा है कि हम ही गधे हैं पैदा होकर आए जिससे कुछ नहीं आ रहा है। ऐसा होता है कई बार, पर इसका मतलब ये नहीं, ऐसे कई बड़े बड़े सूरमा अभी भी इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होंगे और मैथ्स को क्वेश्चन कर रहे होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। एक टर्म है जो उर्दू की है, फरेजी कहते हैं, बनता वही है जिसके ऊपर खुदा का आशीर्वाद होता है। फरेजी मतलब ऊपर से किरण आती है जो सर पे गिरती है, आशीर्वाद की किरण। तो पढ़ाई सब कुछ करते हैं तो बहुत कुछ भगवान के हाथ में होता है, तो हमें अपने ओर से ईमानदारी से प्रयास करना चाहिए, बाकी भगवान के ऊपर है कि वो क्या चुनता है। क्या होता है कि अगर हर कोई आईएएस बन जाएगा, अगर शाहरुख खान भी आईएएस की तैयारी करता तो हमको शाहरुख खान नहीं मिल पाता, अगर सचिन तेंदुलकर भी सोचता कि मैं आईएएस बन जाऊँ तो मैं सचिन तेंदुलकर नहीं मिल पाता। तो भगवान ने हर किसी के लिए उसका फील्ड तैयार कर रखा है जिस फील्ड में वो एक्सेल करे और आगे बढ़े, तो हमें उसके आशीर्वाद को भी या उसके फैसले को भी स्वीकार करना चाहिए। अब जैसे कि आपने कहा कि कई बार हम लोग तीन चार दिन पढ़कर हमारा स्टैमिना टूट जाता है, तो हमको हमेशा कोई ऐसा एक्टिविटी करना चाहिए जो हमारी हॉबी हो या जिसको करके हमको मजा आए। कोई गाना सुन सकता है, कोई खेलने जा सकता है, या कोई किसी को दौड़ने का शौक हो तो एक घंटा रनिंग करके आ सकता है। तो हमको कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करनी चाहिए जिससे हम लोगों का मोनोटोनस जो एक्टिविटी चली आ रही है वो टूटे, लेकिन वो कम समय की होनी चाहिए, वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हमारा ध्यान डाइवर्ट कर दे, और फिर वापस आके हमको पढ़ाई करनी चाहिए। बार बार आपके मन को यही समझाना पड़ेगा, आपको लगभग हर रोज निराशा होगी, लगभग आपको हर बार ऐसा लगेगा कि आप दुनिया में सबसे मूर्ख व्यक्ति हैं जिसको नहीं बन रहा और बाकी सारे दोस्तों को आ रहा है, लेकिन आपको आपके मन को समझाना होगा। कहते ना करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, तो उस रस्सी पे भी, कुएं की रस्सी पे भी, रस्सी कितनी नाजुक होती है बट उसको रोज खींचने से उस पर भी निशान पड़ जाते हैं और गहरी नाली सी बन जाती है। तो बार 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 हमको पढ़ते रहना है, मनाते रहना है, एक बार प्लेन्स नहीं हुआ दूसरी बार ट्राई करना है, तीसरी बार नहीं हुआ चौथी बार ट्राई करना है। मेरा एक बहुत करीबी दोस्त, उसने लगभग 8 या 9 मेंस दी, 8 या 9 प्रीलिम्स निकाली, सब हंसते थे, हम भी हंसते थे, लेकिन आज वो सेंट्रल सर्विसेज में यूपीएससी के थ्रू बैठा हुआ है। अब हम लोग सोचते हैं कि वो हमारे साथ खाना खाए, हमारे साथ डिनर पे आए, जो अब उसके दोस्त उसके हंसी उड़ाते थे अब शायद उनके पास उसको फ़ोन करने की हिम्मत नहीं है। तो जब एक बार आप बन जाएंगे ना, तो अभी जो लोग हंस रहे हैं या अभी जो लोग आप लोगों को नाम रख रहे हैं वो सब लोग सिर्फ अपने घर में बैठ के जलते रहेंगे और आप उनको देख के खुश होंगे कि चलो मैं बन गया और इसलिए वो जल रहे हैं।
तो हमको बिल्कुल भी निराश नहीं होना है कि हमारे कितने अटेम्प्ट खराब हुए या क्या हुआ। हमको उस अटेम्प्ट में ये देखना है कि हमने क्या कमी छोड़ी, ईमानदारी से कमियां ढूंढनी है। आपको दो तीन दिन सिर्फ इस पर लगाने हैं कि मैंने क्या कमी की है, क्या स्पीड में कमी थी, या कोई पार्ट मैंने पढ़ाई का छोड़ दिया था जो मुझे पढ़ना चाहिए था, या मैं सब पढ़ रहा था लेकिन मेहनत कम की मैंने, मैं 12 घंटे पढ़ रहा था, मुझे उसको 15 या 16 पे ले जाना है। तो आपको असेस करना चाहिए कि कहीं तो कुछ कमी रही होगी, या लैंग्वेज में कमी थी कि आपको मीडियम शिफ्ट करना है, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई अच्छा नहीं जानता है। हम लोग यहाँ से कितना भी ज्ञान दे दें पर आपके पास आपकी क्या कमी है या आपकी क्या पावरफुल शक्तियाँ हैं वो आपको पता है, तो आपको सोचना पड़ेगा। पर जब भी आप थको या जब भी आप निराश हो, आपको ध्यान रखना है कि जब आप बन जाओगे, जैसे मैंने खादिया सर का उदाहरण दिया, जब आप बन जाओगे आपके मम्मी आपका फेवरेट फूड बना के रखेगी, जब आप आओगे तो चार दोस्त आपको लेने आएंगे, आपके साथ बैठेंगे। आप वो दिन याद करिए कि यार मुझे उस दिन का एंजॉय करना है, और आपके सामने बढ़िया कार खड़ी होगी, आप जब दिल्ली जाएंगे या मुंबई जाएंगे कोई ना कोई आपको रिसीव करने खड़ा रहेगा, आपके लिए रूम का इंतजाम ऑटोमेटिकली हो गया होगा। आपको उस दिन को याद रखना है और आपको सोचना है कि मुझे उस दिन के लिए मेहनत करनी है। ऐसा नहीं करना है कि मुझे जनरल कोच में जाना है और फिर वहाँ जाके कोई लॉज ढूंढना है और फिर धक्के खाना है ऑटो में। तो आपको तय करना है कि आपको वो ज़िंदगी चाहिए या ज़िंदगी चाहिए। तो बस जब बुरे ख्याल आएंगे ना, क्या है कभी कभी शर्मसार होना या बुरे ख्याल आना भी बहुत ज़रूरी। तो ऐसे बुरे ख्याल लाइए मन में कि अगर मैं कुछ नहीं बन पाया, अगर मैं बालाघाट में ही रह गया, अगर मुझे मनरेगा में ही मजदूरी करनी पड़ी तो क्या होगा। तो फिर एकदम से आपको एनर्जी आएगी कि नहीं मुझे मजदूरी नहीं करनी, मुझे तो पढ़ाई करनी। तो अपने आप को बुरी परिस्थितियों के भी सामने लाया करिए, अच्छे परिस्थितियों के बारे में सोचिए और फिर डिसाइड करिए करना क्या है। ये बिल्कुल आम बात है, हम लोग भी ऐसा नहीं कि अलग है, हमको भी निराशा आती थी, हम लोग भी रोज सोचते थे कि क्या किया जाएगा, कैसे घर वापस जाएंगे, कैसे मुंह दिखाएंगे। बट पढ़ते रहिए, इकलौता समाधान है खूब पढ़ाई, और कुछ इसका तोड़ नहीं है। और बताइए मेंस के लिए। सबसे पहले तो आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, आप खूब लिखिए और बैठ जाइए प्लीज। हमारे टाइम पे ना एनालिटिकल बुक नहीं आती थी, हमारे टाइम पे जैसे मैं जब पढ़ता था तो अनसॉल्व क्वेश्चन आते थे, कुंजी जैसी अनसॉल्व आते थे, हम लोग उससे गणित लगाते थे कि किस सब्जेक्ट से किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आ रहा है। और जब हम लोग पास हुए 2007 का एग्जाम दिया, उसके बाद तो बड़े अच्छे अच्छे अरिहंत के या अलग अलग पब्लिकेशन के बुक्स आ गए जो एनालिसिस करते हैं कि अकबर से रिलेटेड कितने क्वेश्चन आए हैं या किस पे क्या आए हैं। पर हम लोग तब अनसॉल्व पढ़ते थे और जितने भी क्वेश्चन आए लिख करके देखते थे, क्योंकि लिखना बड़ा जरूरी है। मेंस में आपको असेस करना है, आपको लगेगा कि मान लीजिए हम छोटा सा एग्जाम्पल लें कि 1857 की उसमें पुर्तगीज का क्या अफेक्ट था या पुर्तगीज ने कैसे उसको प्रभावित किया, और अगर पुर्तगीज नहीं होते तो क्या 1857 का रिवॉल्यूशन होता या नहीं होता। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आता है लीग से हटके, तो आपको पता है कि 1857 का क्या था, पुर्तगीज उस समय थे या नहीं थे या क्या करा, तो आपको सब पता है। लेकिन जब आप लिखोगे नहीं ना तो आपको पता नहीं चलेगा। अगर आप सोचोगे कि आपको टॉपिक का आइडिया है और आप अच्छा आंसर लिख जाओगे तो बिल्कुल नहीं लिख पाओगे। आप लिखेंगे तब आपको पता चलेगा कि यार आधी चीज तो आपने छोड़ दी जो आपको पता थी, या आप लोग उस फ्लो में ढाल पाए जो एक रिदम होती ना आंसर की। जैसे आप भी कभी अपने पुराने आंसर जो 2 महीने पहले लिखे, जब आप चेक करेंगे तो आप ही को पता चलेगा कि आपने क्या गलतियाँ की या क्या कमी छोड़ दी और आप क्यों उसको अपने आप को नंबर नहीं दोगे। तुरंत तुरंत का आंसर तो अच्छा लगता है, 2 महीने बाद आप पलट के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कमी छोड़ दी। तो आप एक तो लिख कर देखिए, फिर जैसा कि बताया गया कि यहाँ जो टीचर्स अवेलेबल है आप उन टीचर्स को चेक कराइए और अलग अलग टाइम पर अलग अलग आंसर चेक कराइए, तो फिर वो खुद बताएंगे कि नहीं इसमें ये कमी है या वो दिक्कत है, वो लिखिए। फिर क्या होता है जब हम लोग कॉलेज में होते हैं ना, भगवान की दया से हम लोग आर्ट्स या कॉमर्स के नहीं है, हम लोग जब कॉलेज में पढ़ते हैं खासतौर पे जो नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के होते हैं, जिनने कभी हिस्ट्री मैथ्स नहीं पढ़ी होती, हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह नहीं पढ़ी होती, तो क्या होता है वो सोचते हैं जो बुक में लिखा है वो लिखना होता है। हमको बुक कॉपी करनी है, हमको एक हाथ कोटेशन लिखना है, एक हाथ शायरी लिख देनी है, टॉल्स्टॉय ने क्या किया, किसने क्या कहा, फिर हमें आंसर लिखना है जो बुक्स में लिखा हुआ है, 3-4 बुक्स का मिला के हमको बैलेंस लिख देने हैं। लेकिन जो कॉपी चेक कर रहा होता है ना, उसको उसने भी वो बुक्स पढ़ी होती है, उसने भी हो सकता है उस बुक से पढ़ाया हो, ये भी हो सकता है कि उसने खुद वो बुक लिखी हो, क्योंकि कई ऐसे इकोनॉमिस्ट हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो बुक्स लिखते हैं और कई बार वो यूपीएससी के पैनल में भी होते हैं, तो हो सकता है वो बुक उसने लिखी हो।
अब आप उन्हीं का बुक कॉपी करके उन्हीं को पढ़ा दोगे तो कैसे नंबर मिलेंगे? तो आपको ना असेस करना है चीज़ों को कि इस क्वेश्चन में क्या करना चाहिए। आपको उसका बैकग्राउंड ही बताना चाहिए, उसके प्रोस एंड कॉन्स भी बताना चाहिए, एडवांटेज भी बताना चाहिए। आपको सारे एस्पेक्ट देखते हुए, और अगर कंटेम्प्ररी उस चीज़ से रिलेटेड कोई बात चल रही हो, तात्कालिक समय में कोई न्यूज में चीज हो, आपको वही बताना है। आपको सारा ज्ञान दूसरों शब्दों में उड़ेल लेना है कि ऊपर जो कॉपी चेक कर रहा है उसको पता हो कि इस बच्चे में, बच्चे को सारी जानकारी भी है, ये बच्चा अपनी बात अच्छे से कह भी पाता है, और ये बात बच्चा फ्लो में कह रहा है तो वो अच्छे नंबर देगा। और नई बात कहिएगा, आपको अपने थॉट्स लिखने हैं। तो जब भी आप मेंस की तैयारी करें, पहले चीज तो कि जब न्यूज में कोई बात आए या कोई ऐसी खबर आए या कोई बुक में कोई आपको ऐसा इवेंट पता चले, आप उसके बारे में मंथन करिए, सोचिए। पहली चीज तो खूब सोचना होता है, आपको रटना नहीं है ना, आपको एज इट इज याद करना है उसको, आपको उसके बारे में अपना ओपिनियन बनाना है। जब आप यूपीएससी का क्वेश्चन देखेंगे धीरे धीरे, अभी तो आप ट्रेंड और चेंज होते जा रहा है, हमारे टाइम पे ओपिनियन पूछे जाते थे, हमारे टाइम पे फैक्ट्स नहीं पूछे जाते थे। मेरा भगवान की दया से एमपीपीएससी में निकला था, 46 रैंक थी मेरी, बट एमपीपीएससी की मैंने तैयारी नहीं की थी। 10-15 दिन एमपी का जो पेपर होता है वही पढ़ा था, तो लोगों ने कहा था नहीं एमपी में तो फैक्ट्स इतने पढ़ते हैं, मुझसे लिखना होता नहीं तो होता नहीं है। तो हमने कहा था कि नहीं, हम तो मन से लिखेंगे, जो आता है नहीं आता है, बुक्स तो हम नहीं पढ़ेंगे, तो मन से लिखने वाले का भी सिलेक्शन हो गया। तो आपको पहली चीज़ तो हर चीज़ के बारे में विचार बनानी चाहिए। जैसे अभी मान लीजिए CA चल रहा है, या मान लीजिए अभी कोई आपके यहाँ पर कोई माइंड से रिलेटेड कोई नया चीज़ पता चल गई, या आपको पता चलता है कोई रिक्रूटमेंट रिलेटेड कोई डिस्प्यूट चल रहा है, तो आप सोचिए क्या अच्छा चल रहा है क्या बुरा चल रहा है। आप इंटरनेट पर उसकी हिस्ट्री में जाइए, या बुक है तो उससे बुक से देखिए हिस्ट्री में क्या था, क्या सही है क्या गलत। ये नहीं कि फेसबुक पे कोई वीडियो आ गया और आपने उसको सही मान लिया, ऐसा नहीं करना है। फिर एक ओपिनियन फ्रेम करिए, फिर बुक्स में उससे रिलेटेड चीज़ें ढूंढिए कि कहाँ कहाँ क्या लिखा हुआ है, कोचिंग का अगर कोई मटेरियल है या कोचिंग के साथ उससे डिस्कस करिए, फिर आप ओपिनियन बनाइए कि ये अच्छा है ये बुरा है, और आपको बड़ा ही बैलेंस्ड वे में उसका आंसर लिखना है। आपको कोई साइड नहीं लेनी है, अगर आपसे कोई पूछे कि कोई चीज़ अच्छी है आपको बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि अगर आपने साइड लिया तो हो सकता है कॉपी चेक करने वाला दूसरे साइड का हो तो आपके साथ उल्टा पड़ जाएगा दाम। तो आपको बड़ा बैलेंस्ड रहना है, आपको अच्छा भी नहीं बोलना है बुरा भी नहीं बोलना है, लेकिन अच्छाई और बुराई दोनों बतानी है, और कंक्लूड ऐसे करना है कि आप एक मध्यम मार्ग से निकल जाए। तो इतने बड़े आंसर देने का मेरा एक यही लॉजिक है कि आप खूब लिखिए, टीचर से गाइडेंस चेक कराइए, 2-3 महीने बाद अपने खुद के आंसर्स चेक करिए, फिर आपको पता चलेगा। बार बार लिखने से ही आता है, उसका कोई समाधान नहीं, और क्या है कोई बता नहीं सकता कि उस आंसर को कैसे देगा, क्योंकि एकदम नया क्वेश्चन आएगा, आपको बिल्कुल ऑन स्पॉट तय करना पड़ेगा कि लिखना क्या है, क्योंकि कोई बता नहीं सकता ना कोई लिखा सकता, क्योंकि 12th का या कॉलेज जैसा सिलेबस तो है नहीं कि बस ये क्वेश्चन है तो ये आंसर देना, वहाँ तो ऑन स्पॉट कुछ भी क्वेश्चन आएगा आपको कुछ भी लिखना है। तो बार बार लिखिए, ओपिनियन फ्रेम करिए, हर चीज़ के बारे में आपका खुद का ओपिनियन होना चाहिए, और रैशनल ओपिनियन होना चाहिए। ये नहीं कि आपने कुछ भी कट्टरवादी बन के आपने कुछ भी सुन लिया कि नहीं अच्छा है और ये बुरा है, तो आप अच्छा प्रैक्टिस कैसे। और बताइए, आप इधर क्या कह रहे हैं, आप बता रहे थे लिंकिन पार्क। सर मैं अपने आपको कैसे कंसिस्टेंसी ला पाऊँ उस चीज़ की, मैंने अपना मोटिव बनाया कि मुझे रोज 4 आवर देना है, 3 घंटे प्रीलिम्स के पढ़ लिए, 1 घंटे मेंस राइटिंग कर लिए, क्वेश्चन जो भी है बस ऑनली सी करके कि बस वो देखना है, दिमाग में लाना है उसको और सिर्फ लिखना है उसके जो भी टॉपिक्स है। सर ये कंसिस्टेंसी सर मैं डेली नहीं कर पा रहा हूँ सर, ये प्रॉब्लम है मेरे साथ। आपके तो जो बैठे बैठे आप जो ले लिए पहले आप उसके बारे में पढ़ेंगे तभी जाके अच्छा आंसर लिख पाएंगे, तो उस टॉपिक के बारे में पढ़ना तो पड़ेगा। जो दिमाग में आ रहा है सीधा लिख देंगे तो हो सकता है कि वो थॉट अच्छा ठाप ना हो, या हो सकता है 10 मार्क्स में से 2 मार्क्स मिल जाए। तो पहले तो हमको उसके बारे में रिसर्च करनी चाहिए, अच्छी बुक्स में उस टॉपिक को देखना चाहिए, फिर लिखना चाहिए। जब हम लोग 11th 12th में होते हैं, या जब हम लोग BA या BSc या BE कर रहे होते हैं, तो हमको ये मुगालता होता है कि कॉलेज में बहुत पढ़ाई होती है और बहुत पढ़ाया जाता है और हमें समय नहीं मिलता, पर ये बिल्कुल उलट है। जब हम जैसे जैसे हायर प्लेसेस में पहुँचते हैं या हायर क्लासेस में जाते हैं, हमें पता चलता है कि नहीं पीछे की क्लासेस में तो ज़्यादा फ्री टाइम था, तो हमको फ्री टाइम तो बहुत है, अब आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये मान के चलिए कि आपका कॉम्पिटिटर अभी भी पढ़ रहा होगा जब आप यहाँ पर मुझसे बातचीत कर रहे हैं, तो फ्री टाइम तो निकालना पड़ेगा। रही बात कंसिस्टेंसी की, तो मुझे लगता है कि आपको कोई ग्रुप बनाना चाहिए, या तो इस कोचिंग में जो जा रहे हैं उनके साथ, या आपको अपने दोस्त हैं उनके साथ, या जैसे इन्होंने बताया कि लाइब्रेरी है, आपके अभी लाइब्रेरी है क्या? जी
आपके यहाँ भी लाइब्रेरी है तो उस लाइब्रेरी में जाके बैठिए, तो आपको कुछ ना कुछ 8-10 दिन जाएंगे तो एक ग्रुप बन जाएगा। तो क्या होगा कि आपको चर्चा करेंगे तो ओपिनियन बनाने में भी किसी इवेंट के बारे में आसानी होगी, क्या लोग सोच रहे हैं, क्या लिखना चाहिए, या वो लोग क्या बुक पढ़ रहे हैं जो आपको पढ़नी चाहिए। और फिर आपके पास एक कॉम्पिटिशन का है। कई बार क्या होता है, जब हम अकेले तैयारी कर रहे होते हैं तो हो सकता है कि हम लोग जैसे कहावत में कुएं के मेंढक हो जाना, तो हो सकता है कि हम सोच रहे हैं कि हम ही बहुत अच्छा कर रहे हैं या हम सही बुक पढ़ रहे हैं, हो सकता है वो सब सही ना हो। तो जब आप एक ग्रुप में जाएंगे तो शायद आपको पता चलेगा कि पैरेलल लोग क्या कर रहे हैं, तो आपकी क्या कमी रह गई, या हो सकता है कोई ऐसा नया टॉपिक आया हो जिसके बारे में आपने सुना ही ना हो। तो मैं कहूँगा कि कंसिस्टेंसी बनाने के लिए अपने से अच्छे लोगों को चुनिए जो आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं और ज़्यादा गंभीरता से तैयारी कर रहे हैं। तो आपके मन में जो जलन भावना आएगी ना और पीछे होने का भाव आएगा, वो आपको प्रेरित करेगा। सर आपका ऑप्शनल क्या था? हमारे टाइम पे यार दो ऑप्शनल लेने होते थे। तो जैसा कि मध्य प्रदेश में हमारे टाइम पे, पता नहीं अब तो मतलब काफ़ी समय हो गया, 13-14 साल हो गए, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा मध्य प्रदेश का लड़का लेता था उस ज़माने में। और उस ज़माने में हम लोगों को, अब मैं बताऊँ तो UPSC का हमेशा एक ट्रेंड चलता है साइन कर्व जैसा। साइन कर्व मतलब साइन कर्व होता है, नॉन मैथ्स वाले ऐसे जानेंगे, ऐसा ऊपर नीचे चल रहा है। तो UPSC का जो मार्किंग पैटर्न है ना, वो हमेशा ऐसा चलता है। कभी किसी सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, 2-3 साल टॉपर्स रहेंगे, मार्क्स भी अच्छे आएंगे, और फिर वो नीचे जाएगा और नीचे जाएगा, और 3-4 साल उस सब्जेक्ट के बच्चे कभी सेलेक्ट नहीं होंगे, फिर वो धीरे धीरे ऊपर जाएगा। तो UPSC ऐसी मार्क्स देता है। तो हम लोगों ने 2-3 दिन एनालिसिस किया, जैसे मैंने कहा कि मेरा बैचमेंट जो कि रेलवे में है, हम लोगों ने एनालिसिस किया कि क्या ट्रेंड चल रहा है UPSC का, अदरवाइज ऐसा ना हो कि कर्व यहाँ चल रहा है और हमने वो सब्जेक्ट ले लो और हमने पढ़ लिया। तो हम लोगों ने देखा कि पाली, ज्योग्राफी और फिलोसफी बहुत अच्छा चल रहा था उस समय, मार्क्स बड़े अच्छे आ रहे थे। पाली बहुत छोटा होता था और लेकिन बड़ा डिफिकल्ट था। तो हम लोगों ने तय किया फिलोसफी या ज्योग्राफी, हम दोनों की डेमो एग्ज़ाम 2-2 दिन के लिए गए। तीसरे दिन फीस जमा करनी थी और अलाउ नहीं था, तीसरे दिन जाना था। फॉर्चुनेटली क्या हुआ कि फिलोसफी ज्योग्राफी के एग्ज़ाम में ब्रेक आ गया, मतलब उनने डेट 2-3 दिन बाद दी, और तीसरा दिन ज्योग्राफी का फिलोसफी का पहले आ गया। तो हमको फिलोसफी की फ़ीस भरनी पड़ गई, फीस भरनी पड़ गई तो हमें फिलोसफी लेना पड़ा, ज्योग्राफी नहीं ले पाया। तो मेरा परमेड और फिलोसफी सब्जेक्ट था। और बताइए, सब्जेक्ट वो लेना चाहिए, आपका क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए। सब्जेक्ट एक तो ट्रेंड देख कर लेना चाहिए कि क्या ट्रेंड चल रहा है, किसमें अच्छे मार्क्स आ रहे हैं और किसमें आपकी पकड़ है, मतलब आपको क्या लगता है अच्छा जो मैं खूब पढ़ पाऊँ, मुझे बोरियत ना हो। ये मान के चलिए बोरियत तो होगी यार, पर बोरियत से पार कर पाना पड़ेगा। सर मेरा नाम विजय सिंह है, मैं पॉलिटेक्निक सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है सर, स्टडी तो हम कंटिन्यू रख पाते हैं लेकिन इस बीच में फैमिली में कुछ ऐसे हो जाते हैं इशू की जिस वजह से माइंड में इतनी निगेटिव आ जाती है कि वो माइंड डाइवर्ट हो जाता है, तो उसको हम कैसे स्टडी में कंटिन्यू बनाए रखें। हर किसी की फैमिली का नॉर्मल फैमिली होती है, बैठिए हर किसी के घर में लड़ाई झगड़े भी होते हैं, हर किसी के घर में शादियां भी होती हैं। हम लोग ये बिल्कुल नहीं सोच सकते कि हम लोग इवन करण जौहर की मूवीज़ की भी जो फैमिली होती है उनमें भी लड़ाई झगड़े ऊंच नीच सब नहीं होती है। तो ऐसा नहीं कि सुपर रिच फैमिली जो दिखाई जाती है उनके फैमिली में ना हो, तो सबके साथ ऐसा होता है। अब हमको वही तय करना है कि हमको पारिवारिक मसलों में उलझना है या उसमें टाइम वेस्ट करना, हो सकता है 1-2 दिन आप टाइम दें फिर उसका छोड़ दें। फिर क्या होता है कई बार ना, प्रकृति अपने आप कुछ चीज़ें सेट करती है, तो जब हम लोग तय न कर पाए ना, हमें प्रकृति पे भगवान पे छोड़ देना चाहिए। 2-3 दिन आप छोड़ दोगे तो अपने आप प्रकृति उस चीज़ को सेट कर देती है। तो घर परिवार में ऊंच नीच होते रहती है। आप ये ध्यान रखिए कैसे आप लोग पढ़ सकते हैं, जैसे मैंने कहा ना कि हो सकता है कि आपको सब बुरा बोलेंगे कि यार देखो हमारे घर में अभी ऐसा चल रहा है, ये नहीं आया, या हमारे घर में अभी त्यौहार है लेकिन ये खाना नहीं परोस रहा है, बस खाना बनता देख के चला गया, ऊपर जाके पढ़ाई कर रहा है, सब बुरा कहेंगे, रिश्तेदार भी बुरा कहेंगे। लेकिन जब आप बन जाओगे उन रिश्तेदारों की, कहीं कुछ मदद कर पाओगे 1-2 साल में एक बार, तो मुझे लगता है फिर वो लोग भूल जाएंगे और फिर वो लोग गर्व से आपको अपने घर खाना खाने भी बुलाएंगे कि यार आ जाओ। तो जब भी घर में कुछ ऐसा हो, मैंने कहा ना कि कोई ना कोई ऐसी हॉबी चुन लीजिए जिसको करके आपको मजा आए। लोग कहते हैं मेडिटेशन वगैरह करो, तो मुझसे तो मेडिटेशन कभी हुआ नहीं, मैंने भी कोशिश की बट ज़्यादा थॉट आते हैं कि क्या चल रहा है और ज़्यादा बुरे विचार आते हैं। तो मेडिटेशन भी लोग कहते हैं कि बड़ा अच्छा उपाय है, तो कुछ ऐसा कर सकते हो आप। और लेकिन अब जैसे जैसे हम बूढ़े होते जा रहे हैं, हम लोगों ने यह सोचा कि रनिंग से बेहतर कुछ नहीं है। तो जब आप बहुत थक जाओ, जब आप बहुत उदास हो जाओ, तो दौड़ना चाहिए। तो जो मैं भी अब बुढ़ापे में कर रहा हूँ, आपको दौड़ना चाहिए।
इतनी एनर्जी लग जाती है और इतना उसको मैं कुछ नहीं दिखाया था, और दो किलोमीटर के बाद, दो किलोमीटर के बाद और जब आप जारी रखते तो आपको कुछ थॉट नहीं आता, इतने थके होते हैं और सिर्फ आपका विल पावर आपको दौड़ाता है, तो आपको उस समय लगता है। तो मेरे हिसाब से दौड़िए, फिटनेस भी रहेगी, भूख भी अच्छी लगेगी और आगे अच्छी पढ़ाई करेगी, नहीं तो कोई हॉबी ढूंढ लीजिए दौड़ने से अच्छी। सर मेरा नाम आदर्श है, मैं बीटेक सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। सर मेरा क्वेश्चन ये कि मैंने स्कूलिंग हिंदी मीडियम से की, लेकिन अब मेरा ग्रेजुएशन में इंग्लिश मीडियम है, तो सर कैसे फेस करूँ मैं मीडियम प्रॉब्लम? मेरा हिंदी मीडियम था, फिर मैं इंजीनियरिंग मैंने इंग्लिश मीडियम से की, तो मैं बिल्कुल आपके जैसा हूँ। जो मेरा बैचमेट था फिर उसने हिंदी मीडियम लिया, वो भी हिंदी मीडियम का था, उसने भी इंजीनियरिंग की, फिर उसने हिंदी मीडियम लिया, यूपीएससी में बैठी थी, फिर उसको तीन अटेम्प्ट में उसका नहीं हुआ, तो उसने कहा कि अब मीडियम चेंज करना पड़ेगा। उसने फिर ट्रेंड एनालिसिस किया, उसने कहा कि यार हिंदी मीडियम वालों के साथ शायद पक्षपात हो रहा है, पता नहीं बात सही थी या नहीं थी, और इंग्लिश मीडियम वाले सेलेक्ट हो जाते हैं। यू वोंट बिलीव, चौथे अटेम्प्ट में उसने इंग्लिश मीडियम लिया और वो सेलेक्ट हो गया। तो अब हम क्या करें, तो हम है कि अगर हम लोग मीडियम चेंज होता है और हम लोग इंग्लिश से आ रहे हैं हमारी कमजोरी, तो हमको बार बार पढ़ना पड़ेगा, डिक्शनरी उठाइए और डिक्शनरी पढ़िए। हमारे टाइम पे पता नहीं, हमारे टाइम पे कुछ चीज़ें बड़ी अच्छी थी, मोबाइल वगैरह नहीं था, डिक्शनरी आती थी, हर कोई डिक्शनरी खरीदता था, हर कोई डिक्शनरी पढ़ता था। हम लोग जब लिखते भी थे तो तीन कलर की पेन यूज़ करते थे और ब्रैकेट में इंग्लिश वर्ड ज़रूर लिखते थे कि मान लीजिए इंटीग्रेशन है, मैं हिंदी में ढूंढ रहा हूँ क्या है, तो इंटीग्रेशन है तो उसको हिंदी में भी लिखते थे, इंग्लिश में भी लिखते थे। तो जब आपका मीडियम चेंज हो रहा है तो आपको डिक्शनरी ज़्यादा यूज़ करनी पड़ेगी और स्किल्स तो बनानी पड़ेगी। इंग्लिश का कोई तोड़ नहीं है, आप जब ऊंचे पदों पे भी जाएंगे, जब आप प्राइवेट जॉब भी करेंगे या आप किसी बिजनेस में किसी बड़ी जगह पे भी जाएंगे तो इंग्लिश ही काम आती है। तो मेरा यही मानना है कि आप खूब सारी डिक्शनरी पढ़िए, इंग्लिश न्यूज़ देखिए, इंग्लिश न्यूज़ समय में नहीं आएगी बट देखिए, कोशिश करें कि इंग्लिश मूवी भी देख पाएँ, तो धीरे धीरे मुझे लगता है कि आपके स्किल्स डेवलप होगी। हम लोग भी वैसे ही हम भी हिंदी मीडियम के पढ़े, बालाघाट में पढ़े, तो इंग्लिश फिर अच्छी हो जाती है। खूब पढ़िए, डिक्शनरी उठाना चालू करिए। और बताइए आपने सबसे बुरे दिन याद कर लिए, अगर आप सिलेक्ट नहीं हुए तो मैंने यहाँ कुछ बच्चों की ओर देखे कहा था कि ये आए हो कि आपकी शादी हो गई होगी, तो मान लीजिए गाँव में कहीं शादी हो जाती है और आपको सुबह 4 बजे उसके गोबर उठा के कंडे लीपने पड़ेंगे, या आपकी कोई दोस्त है जिसको मदद की ज़रूरत है और आप मदद नहीं कर पा रहे हैं और आप अच्छे पद पे होते तो शायद उसकी मदद कर पाते। तो आप अपने लिए कुछ बुरा सोचिए तो कई बार बुरी चीज़ें भी बड़ी प्रेरणा देती हैं। कई ऐसे उदाहरण हैं जिनकी ज़िंदगी में इतना बुरा हुआ कि वो लोग फिर अपने जीवन में कुछ अच्छा अचीव कर पाए। तो निरंतरता बनाने के लिए आपको या तो बुरा सोचना पड़ेगा या फिर कुछ अच्छी चीज़ सोचनी पड़ेगी कि अगर मैं अच्छे पद पर जाती हूँ या मैं अच्छा बिजनेस करती हूँ तो मेरे पास अच्छी कार होगी, या मेरी बच्ची होगी या मेरा बच्चा होगा जिसको मैं बड़े अच्छे स्कूल में भेज पाऊंगा, या जैसे मैं नागपुर से जाके बुक्स नहीं ला पाती थी या ला पाता था तो शायद मैं अच्छे पद पे जाऊंगा तो मेरे बच्चे को तो बुक्स की कमी नहीं होगी, मैं उसकी लाइब्रेरी खोल दूंगा, या मैं उस समय मोबाइल नहीं यूज़ कर पाया था पर मेरा बच्चा तो सीधे आईफोन ही यूज़ करेगा। तो आप कम से कम हम जो नहीं कर पाए आप ये सोचिए कि कम से कम मेरे बच्चे को वो सुविधा मिले या मेरे घर वालों को मिले। जैसे मैं अपना उदाहरण बताऊं, जब मैं IIT के एग्ज़ाम देने जाता था या मैं UPSC एग्ज़ाम देना चाहता था, मुझे याद है कि मेरे पापा दरवाजे के पास जूस लेके खड़े होते थे और दिल्ली में रोज़ पूछते थे कि जूस आज किया कि नहीं किया। मैं उनको झूठ बोल देता था कि हाँ पिया, कई बार पीता था, कई बार पैसे बचाने के लिए नहीं पीता था, पर मैं उनको बोल देता था हाँ मैंने पिया। तो हमें कभी कभी ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे माता पिता जब हमें इतना पैसे बचा के इतना श्रम करके हमको कहीं भेज रहे हैं और उन्होंने शायद अपनी कुछ सुविधाएं अपनी इच्छाएं मारी होंगी जब हमें यहाँ पहुँचाया यहाँ बैठाया, तो शायद अब हमारा समय है अपने माता पिता को कुछ आगे देने का। तो आपको ये भी सोचना चाहिए कि आपके माता पिता को आपको बाहर घुमाना चाहिए, उनको अच्छा घर देना चाहिए, उनके ऐसे समय में अच्छी सुविधाएँ देनी चाहिए। तो आप कुछ अच्छी चीज़ सोचिए, ये सब आप तब कर पाओगे जब आप किसी अच्छी जगह में बैठे होंगे, तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, एक ही समाधान है। तो कुछ अच्छी चीज़ें सोचिए, तभी बनी रहेगी। जब भी आप निराश हो यही सोचो कि फिर ज़िंदगी नरक में जाने वाली है, तो अगर अच्छी जगह लेना है तो पढ़िए, न सिर्फ आपकी, आपके आसपास जुड़े हुए लोगों की भी। तो अगर आपके आसपास जुड़े हुए लोगों की भी अगर आपको ज़िंदगी बनानी तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। मेरा नाम मिताली ठाकरे है, मैं गवर्नमेंट कमला नेहरू महाविद्यालय बालाघाट से हूँ, मैं मैथ्स फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। मार्केट में इतने सारे बुक्स अवेलेबल हैं, नेट में इतनी सारी जानकारियाँ हैं, इस बीच में इतना कन्फ्यूज़न होता है कि मैं कौन सी बुक पढ़ूँ, क्या पढ़ूँ, ये पढ़ूँ या नहीं, ये सही है नहीं, वो जो टीचर बता रहे वो सही है कि वो
टीचर बता रहे वो सही है, इतना कंफ्यूजन है, इतना कंफ्यूजन, इस कंफ्यूजन को कैसे दूर करूं। ओके, पहली चीज जैसे ना ऐसी फिर कोचिंग की मदद लेनी चाहिए, इन कोचिंग के टीचर्स से बात करनी चाहिए, और या फिर जो रिसेंटली सिलेक्ट हुए जैसे अक्षय आए थे, इन लोगों से बातचीत करके बैठे, इन लोगों से बातचीत करके आपको बुक्स पूछनी चाहिए। इंटरनेट पे तो नहीं विश्वास करना चाहिए, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी चाहिए, सभी सब्जेक्ट की सभी टॉपिक की बुक्स, सबको पता है कि कौन सी अच्छी है कौन सी खराब है। तो अगर आप टॉपिक लेते हैं तो सभी को पता, और फिर आप मल्टीपल ओपिनियन मत लीजिए। अगर आपने बता दिया किसी ने कि एम लक्ष्मीकांत अच्छी है या विपिन चंद्रा अच्छी है, तो आप फिर उससे पढ़िए, फिर आप और दूसरे भेद मत लाइए। जैसे मैं और मेरा रूममेट जो कि बैचमेट था इंजीनियरिंग में, फिर सर्विसेज में आ गया, उसको विपिन चंद्रा बिल्कुल अच्छी लगती थी, उसको स्पेक्ट्रम अच्छी लगती थी इसलिए कि मुझे विपिन चंद्रा अच्छी लगती थी, स्पेक्ट्रम में फैक्ट्स होते थे तो मुझे उतना मजा नहीं आता था। तो पर अब हम दोनों ने अपने अपने तरीके से पढ़ाई की, तो कोई अच्छा बुरा नहीं है, बट सबसे अच्छी बुक्स की लिस्ट है, अगर आप तीन पढ़ सकते हैं तीन पढ़िए, बट एक पढ़ सकते हैं एक ही पढ़िए। स्टैंडर्ड बुक्स से आप किसी अच्छे रिसेंटली किसी ने क्लियर किया उससे बात करिए, एक दो लोगों से बात करिए, हो सकता है दो लोगों अलग अलग बताएं, और फिर आप तय करेंगे कि उन दोनों में से आप किसके साथ जाना चाहते हैं, तो आपको खुद पता चल जाएगा। बहुत ऑप्शंस मत रखिए, अधिकतम दो बुक एक सब्जेक्ट की पढ़िए, और फिर आपको खुद पता चल जाएगा कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा। स्टैंडर्ड बुक्स अवेलेबल है, नहीं तो आप लोग लिस्ट बुक्स की कोई लिस्ट पकड़ा दीजिएगा आप लोग, है ना, चाहे स्टूडेंट हो या आपका ना हो, आप पकड़ा दीजिए। मेंस में अब तो शायद आंसर की बुक भी आती है, पर मैं अभी खरीद रहा था किसी के लिए बेरसराय जाकर के बुक पे, उसमें आंसर मैं खरीदते समय चूंकि उसको पैक करने में टाइम लग रहा था, तो मैंने दूसरा बुक उठाया और पढ़ रहा था आंसर, वो बड़े खराब आंसर देते हैं। बट पहला आइडिया तो प्राइमा कैसी, आपको आजकल आंसर लिखने वाली बुक्स आ रही है, क्रॉनिकल भी निकालता है, उससे भी आते हैं। सबसे अच्छा समाधान है कि वहाँ दिल्ली में बड़े सस्ते में किसी भी कोचिंग का मटेरियल मिल जाता है, आई गेस कौटिल्य अकेडमी भी मटेरियल देते होंगे आप लोग, तो उनसे आपको एक तो आंसर राइटिंग की चीज़ पता चल जाएगी कि आंसर राइटिंग करनी कैसी है। टेस्ट सीरीज होती है, उसका कोई तोड़ नहीं होता, आपको टेस्ट सीरीज जरूर देनी चाहिए, आपको उसकी स्पीड पता चलती है, और जब चेक होके मार्क्स आते हैं तब आपको अपनी हैसियत पता चलती है, अपना स्थान भी पता चलता है, तो आपको टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करनी चाहिए, तो आपको पता चल जाता है कि आप किस लेवल पर हैं। और आंसर राइटिंग जब ये दो चीज़ देखोगे, प्राइमरी फेज से थॉट्स क्लियर हो जाएगा, तो आप आंसर बार बार लिखाइए अपने स्कूल के टीचर से या अपने कोचिंग के किसी सर से, या आपके ही बैच में कोई बहुत अच्छा पढ़ रहा हो तो उसको क्रॉस सर्कुलेट करिए कि आपकी कॉपी वो चेक करे, आपकी कॉपी वो चेक करे। बट हाँ, एक लेवल का दोस्त होना चाहिए, ऐसा भी ना हो कि फिर उसका खुद ही का लेवल इतना नीचे हो कि वो जज ही ना कर पाए, तो आप अपने आस पास में कॉपी सर्कुलेट करिए कि एक बार चेक करके बताए कि हमने क्या नहीं लिखा है, और वहाँ से बैठ के सोचिए, मतलब आपको जरूर अच्छा लगता हो बट क्या यूपीएससी में हाईली क्वालिफाइड व्यक्ति जो आपकी क्वेश्चन बनाया हो कॉपी चेक कर रहा होगा, क्या उसको मजा आ रहा होगा, आपको ये सोचना है। कई बार हम लोग अपने लेवल से सोचते हैं कि हम जो पढ़ रहे हैं या हम लोग जो लिख रहे हैं वही अच्छा होगा, वहाँ पर ऐसे प्रोफेसर होते हैं जो बुक लिखते हैं हम जैसे लोगों के लिए, उनको मजा आना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि हाँ ये लड़का वो 5000 कॉपीज चेक करा है कि हाँ ये लड़की या लड़की में दम है या इसमें इतना नॉलेज है, इसने इतनी सारी चीज़ें लिखी है, तो प्रैक्टिस करिएगा, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, मुझे लगता है वो बेहतर है। टेस्ट सीरीज अपन करते हैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, उसमें कोई नुकसान नहीं है, और ना छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट से भी नहीं डरना चाहिए। कई बार ना 100 रुपये 200 रुपये की हम बुक्स नहीं खरीदते हैं तो हो सकता है कि 50 साल की अच्छी नौकरी चली जाए, या हो सकता है कि 5000 बजाने के लिए हम लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन ना करें, हो सकता है जिंदगी भर भी कंडे पीने पड़े, तो कई बार 100-500 रुपये की चीज़ें सोचना नहीं चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। मैं आपको फिर अपना उदाहरण दे रहा हूँ, कई बार मैं अपनी चीज़ बताता हूँ, मैं जब इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेके घर आ गया था बालाघाट में, मेरी नानी को याद होगा, आई गेस कॉल लेटर आया मेरा BIT मेसरा रांची, उस समय BIT बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट होता था, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रांची में होता था, IIT के साथ उसका एडमिशन होता था, मेरा एडमिशन हो गया BIT में यहाँ, और मंडे ज्वाइन करना था, सैटरडे लेटर आया, यानी जो उस समय पोस्ट ऑफिस होते थे, व्हाट्सएप या ईमेल तो होता नहीं था, हम लोग रिजल्ट भी जाते थे 3 घंटे बस स्टैंड में, 2-4 वो थे साइबर कैफे जहाँ 3 घंटे रुकना पड़ता था, तब नंबर आता था, वो 10th 12th रिजल्ट दिखाते थे हमको, वो भी 20 रुपये लेके दिखाते थे। तो BIT मेसरा रांची में मेरा हो गया, अब पापा कहते थे कि नहीं जाना है और चलते हैं हम लोग, और सारे डॉक्यूमेंट जमा थे भोपाल में, अब उनको एक दिन में तो संडे था बीच में भोपाल जाना था, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारे क्योंकि कॉलेज में जमा हो गए थे और सब लेके ओरिजिनल लेके वहाँ जाना था। फिर फोन लगाया गया रांची में कि हम लोग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ना लाए, फोटो कॉपी लाए, नहीं उन्होंने कहा नहीं ओरिजिनल नहीं लाने, फिर हमको लगा कि हमारा पैसा खर्च हो जाएगा भोपाल जाने में रांची जाने में, तो हम लोग
नहीं जाते, तो हम लोग पैसा बचाने के लिए PIT मेसरा नहीं गए और मैं एडमिशन नहीं ले पाया। आज भी कॉल लेटर हमने संभाल के रखा हुआ है काउंसलिंग का, और हम नहीं गए। शायद मैं चले जाता तो आज सत्य नडेला को रिप्लेस करता, या ये भी है कि शायद मैं नहीं गया तो भगवान ने ये रास्ता चुन रखा था, ये स्थान चुन रखा था, इसलिए शायद मुझे जानबूझ के लेट किया और मैं यहाँ खड़ा हो पाया। तो लाइफ में जो होता है अच्छा होता है, तो हमें पैसे नहीं बचाने चाहिए। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, कई बार हमें 5,000 या 16,000 बचाने की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी छोड़ा है, टेस्ट में बुराई नहीं करना चाहिए। तो अब मैं इनकी अकेडमी जाके एक बार विजिट करूँगा, आप लोग का अगर कोई और भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग आ सकते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप लोग यहाँ पर आए और आपने ये ज्ञान अर्जन किया। मैं अपनी टीम से अनुरोध करता हूँ कि वे स्मृति चिन्ह लेकर यहाँ पर आए, और माननीय डंगारे साहब से अनुरोध करता हूँ कि वे हमारे मुख्य अतिथि श्री गणपाली जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।